डिंग लास्ट लेक्चर आई गिव यू एन असाइनमेंट कि आप अपना टेन ईयर का प्लान बनाइए तो क्या आपने कोशिश की इस पे, तो इसको दोबारा देखिए और फिर इसको जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप नासब समझें क्योंकि तो अपने प्लान दूसरों के साथ कम लोग शेयर करते हैं लेकिन अगर आप नासुब समझें मुझे भी मेल कर दें और अपने पी सी जरूर इसको सेव कीजिए और साथ साथ देखते भी जाइए आफ्टर सम टाइम कम चंद माह के बाद कुछ सालों के बाद एंड ट्राई टू गाइड गेट गाइडलाइन फ्रॉम देयर कि क्या आपने सोचा था कहां जा रहे हैं एंड व्हाट फॉर द रीजन सो लेट्स स्टार्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर दैट वाज़ अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो क्या था दैट इज ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज दी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसका जो प्रोसेस था उसको मैंने एक स्टाइल से या उस वक्त बताया था आज थोड़ा सा स्कोर सिंपल करके बताता हूं ताकि थिंग शुड बी क्लियर ऑन योर पार्ट अगर आप इस मॉडल को देखें यह फोर स्टेप मॉडल है पहला पॉइंट क्या है फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और इसकी हमने टेक्निक्स डिस्कस की थी लास्ट टाइम टेक्निकल और जो आपकी गट फीलिंग्स होती हैं या आपके एक्सपीरियंस के बेस पे लोग जो उनको अंदाजा हो जाता है कि क्या करना चाहिए उसके बाद फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज आप दो किस्म की फोरकास्टिंग करनी है एक तो डिमांड आपकी है जो उसकी फोरकास्ट करनी है एंड सेकेंड थिंग इज टू फोरकास्ट एंड उसका जो कंपेयर करना है आपने डिमांड सप्लाई का आपस में क्या फर्क है और उसके बेस पे फिर आपने एक्शन लेना है कि क्या एक्शन लेना चाहिए वो किस तरह होगा वो जब आप प्लानिंग कर लेंगे तो उसका कुछ आउटकम निकलेगा उस आउटकम की शक्ल भी हम थोड़ा सा ग्राफिकल शक्ल में देखते हैं बेसिकली व्हेन यू कंपेयर डिमांड एंड सप्लाई थिंग्स अबाउट बट लेबर अवेलेबिलिटी

एंड थर्ड आउटकम कैन बी के यूर एट पवार दोनों आपकी चीजें बराबर बराबर हैं कि जितने आपको लोग चाहिए उतने इस वक्त आपके पास तो इफ दीज आर द आउटकम्स सो वट विल बी यूर एक्शन तो लेट्स केस इफ यूर डिमांड इज हायर देन योर सप्लाई आर योर अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स इन यूर ऑर्गेनाइजेशन यू विल गो फॉर ग्रोथ वट ड ग्रोथ मीन हेयर यू आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर एम्प्लॉयज उनके अट्रैक्शन के लिए आप कुछ एक्टिविटीज करेंगे रिक्रूटमेंट करेंगे एडवर्टाइज करेंगे कोशिश करेंगे लेकिन अगर इफ द पोजिशन इज इफ द आउटकम इज दैट योर सप्लाई इज लार्जर देन योर डिमांड तो फिर क्या करेंगे उसमें फिर आपने देखना है कि आपने अपनी वर्क फोर्स को उस लेवल पे लाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं लाइक यू कैन गो फॉर वॉलेंटियर ले आप लोगों से कहें कि देखे ये मसला आ रहा है तो वॉलेंटियर जो करना चाहिए अपने आप को किसी के पास और ऑप्शन हो वो कहीं और जा सकता है एंड सो आ लेकिन अगर थर्ड आउटकम है वेयर यू आर इक्वल देन यू नॉट रिक्वायर टू डू एनी स्पेशल एक्शन यू जस्ट स्टेबलाइज यूर पोजिशन देयर एंड सी टू वॉच द मार्केट एंड वट काइंडर सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वि डिस्कस एंड अंडरस्टैंड ज्यूरिंग अवर लेक्चर नंबर ट्वेल्व सो लेट सी वट आज अवर टूडे टॉपिक्स तो आज हमने किन चीजों के बारे में डिस्कस करना है आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि देख के आइए कि क्योंकि कुछ टर्मनोलॉजी ऐसी भी हमने कल के लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर ट्वेल्व में डिस्कस की थी डेट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो आई था वाई डोंट वी आल्सो कवर दैट पार्ट सो दैट नथिंग शुड बी वादरिंग यून वैल रीडिंग ऑल दोज थिंग इन योर फ्रॉम योर टेक्सट बुक और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आज एक सेपरेट न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिंस दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम इसको इससे रिलेट करने की कोशिश भी करेंगे लेट स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या चीज है बेसिकली बिकॉज एज वॉ सेड इन ड्यूरिंग आवर लास्ट लेक्चर दैट दिस वी आर लिविंग इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, तो नथिंग इज स्टेबल तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक जो अपने आप के लिए अपनी आर्गनाइेशन के लिए अपने मिशन को अचीव करने के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए वैन यू प्लान समथिंग दैट विल बिकम योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग

certain goals or then you have to formulate this strategies or plan how to achieve those goals so yeah four steps ka, strategic planning car process hota hai. let's go and see one by one what we are supposed to do there so first step was determine the organizational मिशन अब मिशन क्या होता है द मिशन इज बेसिकली द अल्टीमेट रीजन ऑफ सर्वाइवल द ओवरऑल पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद से बनी है जैसे मैंने बड़ी दफा आपको कोर्ट भी किया है कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज जनरल ये होता है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू हैव द लीडिंग रोल इन द मार्केट टू हैव मोर बिजनेस

व द रिस्पेक्ट दूसरों के नजरों में पेरेंट्स के अपने कोलीग थी दोस्तों के तो ये मुख्तलिफ गोल्स सारे मिलके अल्टीमेटली आपके मिशन को अचीव करने के लिए हो तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव ए मिशन बट दे माइट हैव डिफरेंट गोल्स टू रीच एट दैट मिशन लेट्स को रू ने स्टेप आई है योअर इजेशन एनवायरनमेंट। अब इसको मैंने बड़ी दफा आपसे डिस्कस किया कि एनवायरमेंट होती क्या है और कितनी किस्म की होती है दो किसम इंटरनल एनवायरमेंट है एक्सटर्नलर ऑर्गेनाइज किसी भी एग्जाम्पल लें तो कुछ इंटरनल फोर्सेज होंगी और कुछ एक्सटर्नल फोर्स होंगी कुछ माइक्रो फैक्टर होंगे कुछ माइक्रो फैक्टर होंगे माइक्रो कहते हैं एक्सटर्नल को और माइक्रो कहते हैं इंटरनल को तरह स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी पॉलिटिकल कंडीशन लीगल कंडीशन इकोनॉमिकल कंडीशन सोशल टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ऑल दो विच विल इफेक्ट यूर ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट ओनली इफेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन बट दीज फोर्स आर ऑल्सो इफेक्टिंग अदर सच अदर ऑर्गेनाइजन विच आर इन इन द मार लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक फोर्सेज हैं जो सिर्फ आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की है उनको हम माइक्रो और इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो सकता है स्ट्रक्चर कैसा है आपका मिशन क्या है पास्ट हिस्ट्री क्या है आपकी जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है फॉर दैट तो ये सारी चीजें अनलेस यू हैव एन आइडिया यू नो दो थिंग हाउ कैन यू प्लान तो इनको भी देखना इनको स्कैन करना इनको ऑडिट करना इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट While you are deciding about the strategic plan. And we are talking, remember, we are talking about general strategic planning. So, third part, hai, but before go go to third part, let me introduce another term here SWOT analysis. E jo hum environment ko study environment, SWAT analysis. Karte. And what is this SWOT? It is a combination of four words S, W, O, and T. And each this letter or word has a specific word attached to it. Like S stand for strength and w for weaknesses. Yeah. O for opportunities and T for threats. So SWAT is a combination of four words strength, weaknesses, opportunities and threats.

शन ऑफ यूर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वकिन यू हैव टू सेट यूर नाउ स्ट्रेटेजिक गोल्स अब आपने एक स्पेसिफिक गोल बनाना है कि मैंने क्या करके अपने उस मिशन को अपनी आगनेशन के मिशन को अचीव करवाना एंड वेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट द गोल तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं गोल शुड गोल शुड बी स्पेसिफिक एक जनरलाइज्ड टर्म में बात करना करनाज डिफिकल्टी फिर उसको उसके लिए भी बहुत सारे गोल बन जाते हैं एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये मेरा गोल है मैंने इत, ये करना है मैंने बी एस करना है मैंने मास्टर करना है मैंने व्हाट इज योर गोल एंड इट शुड बी चैलेंजिंग वाई इट शुड भी चैलेंजिंग अगेन इट ह्यूमन साइकोलॉजी अगर कोई चीज आसान है तो वो उसको फा ग्रांटेड लेके इतनी शायद एफर्ट ना करें लेकिन अगर आपका जो सामने अच्छी गोल है या जो आपने करना है वो अगर चैलेंजिंग है तो फिर आप भी अंडर प्रेशर और थ्रस्ट के साथ काम करेंगे और उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं मुश्किल होते हैं कुछ आसान होते होंगे अमूमन देखें कि आप मुश्किल सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा जोर डालते हैं ज्यादा एफर्ट करते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं और वो जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो यू यू थिंक ये तो काम हम रोजाना घर में भी पढ़ते हैं सब कुछ है उसमें मोहन आप कम स्कोर लेते हैं क्योंकि यू टेक दोस्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू डिसाइड अबाउट द गोल एनी बट डिसाइड द गोल दे ऑलवेज गो फॉर स्पेसिफिक गोल्स एंड चैलेंजिंग गोल उसके अलावा भी इट शुड बी मेयर वट एवर गोल यू डिसाइड सेट इट शुड बी मेयरेबल और एक और चीज मिसिंग है यहां पे वो क्या है इट शुड बी टाइम फ्रेम यह नहीं है पिल्ट सी आपकी बीएस का प्रोग्राम जो है वो चार साल का है आपने गोल बनाया कि मैं बीएस एस करूंगा या करूंगी और चैलेंजिंग दिया कि मैंने इसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट रखने हैं या वट और उसमें मेयरेबल भी है कि आपके उस समेस्टर के रिजल्ट आते जाएंगे लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि आठ साल में करेंगे दस साल में करेंगे यू यू हैव हैव टू टू फिक्स सेट ए स्पेसिफिक टाइम 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 फ्रेम कि यस दिस दिस इज द मिनिमम आई विल कवर इन सो गोल को सेट करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गोल तो जब भी कोई स्ट्रेटेजिक प्लान करता है तो वो पहले मिशन देखने के बाद स्वाट एनालिसिस करने के बाद देन दे सेट द गोल और उसके बाद

मिस्टर ए ने क्या करना है मिस्टर बी ने क्या करना है दैट यू हैव टू डिसाइड लेट्स सी व्हाट इज द लिंक बिटवीन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स जो हम सब्जेक्ट पढ़े उसका क्या है? हैल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो प्लेंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइक फ्रॉम दिस स्लाइड यू कैन सी टॉप स्टार्ट विदॉप मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन दे बेस ऑन दट मिशन दे गो फॉर सर्टन ऑब्जेक्टिव एंड गोल फिर वो सेट करते हैं अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव गोल ये ही अचीव करना है एंड देन दे फार्मूलेट दैटी कि किस तरह उन गोल्स को अचीव करना है और फिर उसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं डिपार्टमेंट बनाते हैं सारा कुछ लेकिन द बॉटम लाइन इज अगेन द पीपल who will implement those strategies the people so see ultimately again it is the bottom line is the same they are the people who will act according to those plans within a proper structure move toward to achieve the kind of implement those strategies so that they should be able to achieve the goal and objective and ultimately fulfill the mission of a particular organization so that is how where ज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सो लेट्स मूव टू एन स्टेप फॉरवर्ड फर्दर बेस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यू गो फॉर्दर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो क्योंकि मैनेजमेंट के तो चार फंक्शन हमने पढ़े थे ना बेसिक प्लानिंग भी थी ऑर्गेनाइजिंग भी थी लीडिंग भी थी कंट्रोलिंग भी थी तो so, प्लानिंग एक आस्पेक्ट देखा हमने अब उसको उस पूरी पिक्चर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं वही चंद स्टेप्स लेकिन उसके साथ कुछ एडिशन बनवे टकिंग और कंप्लीट प्लानिंग फर्स्ट कंपिटेटिव सिचुएशन देखें मिशन के बाद स्ट्रेटेजिक गोल बनाया आपने देन यू हैव द्लान एंड नाउ द अदर फंक्शन आर टेकिंग प्लेस देयर एज फार द मैनेजमेंट कंसर्न नाउ यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज सो दैट यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटीज वाइल एलुकेटिंग यूर रिसोर्सिसन यू नेक्स्ट स्टेप विल बी

एंड द लीडिंग में लीडिंग में आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन पे आपने उनको लीडिंग रोल प्ले किया एंड कंट्रोलिंग में द वैल्यूएशन पार्ट के रिजल्ट अचीव दो विच यू हैव प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वो गोल अचीव किया आपने कि नहीं और अल्टीमेटली फिर आपका मिशन वहां पर अचीव होता है तो फिर वापस थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या करना है फिर वही दिस इज वेयर ह्यूमन रिसोर्सेज

रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो जनरल और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का वहां क्या रोल प्ले करता है इन्फॉर्मेशन क्या चीज है काफी अर्से अर ये मैंने एक छोटी सी कार्टून देखा था एक तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि दो सिचुएशन बताई गई हैं कि टू पर्सन आर सेलिंग इन्फॉर्मेशन वन इज से आई विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन इन वन डॉलर एंड अदर पर्सन से इन्फॉर्मेशन वॉन्ट दे कैन कास्ट यू फाइव हंड्रेड डॉलर डेट यू गैट द कंसेप्ट क्या मकसद हुआ इसका इंफॉर्मेशन तो बेहिस दुनिया में हर वक्त आजकल तो वैसे भी वेब पे यू जस्ट गो एंड टाइप ए थिंग एंड यू कैन हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फाइ यू लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है उसकी कास्ट भी ज्यादा होती है एक पर्सन वन इसका जो आपने देखी थी इसमें देखा कि एक पर्सन कह रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन देता हूं आपको एक डॉलर में दूसरा कहता नहीं जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको पांच सौ डॉलर में देता हूं सी द डिफरेंस इन द प्राइस दैट इज इंडिकेटिंग हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गेट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम नो वाई डू यू नीड इंफॉर्मेशन कहां पर काम आती है वेन एवर यू मेक यू हैव टू मेक ए डिसीजन स्पेशली मैनेजर है डिसीजन द मोर इन्फॉर्मेशन ही बेटर ऑप्शन ऐसा ही है ना जितनी ज्यादा आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन होंगी ए पर्टिकुलर इश्यू जिसके बारे में आपने डिसाइड करना है उतना ज्यादा ही आपके लिए प्रॉबिबिलिटी ये होगी चांस ये होगा कि आप अच्छे डिसीजन कर सकोगे अच्छा फैसला कर सकोगे उसका फायदा भी होगा वॉट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम बाई द वे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर दैट देट तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको अगर डिफाइन किया जाए इथ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट जिसमें इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं लोग भी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन भी हो सकती है क्यों ताकि उन उसमें कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन ताकि उनको रिट्रीव कर सकें दोबारा जब आपको चाहिए ले सकें उसको प्रोसेस करते हैं उनको स्टोर करते हैं उनको एनालाइज करते हैं इवन फॉर वट पर्पज सो दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन टू होम द पर्सन हैज मेक तो टेक्निकली क्या हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सेटअप लोग भी हो सकते हैं मशीनें भी हो सकतेमेंट हो सकते हैं आजकल कंप्यूटर है और बड़ा कुछ आ सकता है और इवन इन्फॉर्मेशन इवन जो आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है फाइलों में रजिस्टर्स के अंदर डैट इज ऑल्सो पार्ट अब दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम

Components of information system. Kali machine nahi hai, kali computer nahi hai. An information system is not a computer alone. Yes, I agree. But information system consists of technology. Not only computer, but the technologies. Different kind of, jo Organization, System hoga and people. ऑल टूगेदर दे फॉर्म ए इंफॉर्मेशन सिस्टम तो लार्ट अबाउट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यह क्या चीज है आजकल आपने देखा कंप्यूटर का दौर है आई टी की बात होती है तो एवरी थिंग इज नाउ मूविंग थ्रू वर्ड मशीन एड थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इजी एक छोटा सा मॉडल आपको दिखाता हूं कि देखें एक मैनेजर जो होता है उसने प्लान भी करना है ऑर्गेनाइज भी करना है लीड भी करना है और कंट्रोल भी करना है बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी हैव कवर्ड सो मेनी टाइम कहां पे करना है एक डायनामिक एनवायरमेंट के अंदर थिंग्स आर नॉट स्टेटेड रिमेंबर दैट चीजें चेंज हो रही हैं तो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ उसने अपने आप को अपडेट भी करना है और डिसीजन भी सर्टन करने होता है प्लानिंग के वक्त भी ऑर्गेनाइजिंग के वक्त भी लीडिंग के वक्त भी और कंट्रोलिंग के वक्त और अगेन रिमेंबर कि बहुत सारी माइक्रो एंड माइक्रो फैक्टर जो कंप्रोमाइज करती हैं आपकी उस एनवायरमेंट को जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं

सिस्टम देगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उस सिस्टम के अंदर क्या है उसका अपना रिकॉर्ड जो ट्रेंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड एनालिसिस आप करते हैं उससे जाहिर हो जाएगा यू कैन हैव द इंटेलिजेंस पीपल सिटिंग विद्स लेकिन गाइड है वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं आपका जो रिसर्च कुछ एक्टिविटी आपने रिसर्च कराई कुछ डेटा कलेक्ट किया उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है या किसी इन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर चीजें तो ये सारा जो कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक है उसमें से वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा न आजकल जितना डेटा बेस आप डेवलप करते हैं बहुत सारा डेटा आपका पड़ा होता है कंप्यूटर के ऊपर तो किस तरह आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेंगे अभी आप देखें कि आप तो सिर्फ चार पांच सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास इतने रजिस्टर हैं किताबें हैं अगर मैनुअली सारा कुछ हो अगर ये सारा कुछ जिसका पहले होता था तो आजकल कितना मसला होता कितने लोग चाहिए होते आपको रजिस्टर खोल के देखना के क्या चीज़ हो रही है इवन विद द क्लिक ऑफ वन बटन

दिस इज ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने लेवल पे छोटा या बड़ा अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर अगेन बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं वो क्या है उसको हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी एक दो दफा डिस्कस किया कि बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट होते हैं मार्केटिंग है प्रोडक्शन है फाइनांस है्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है नाउट दे हैव स्पेसिफिक

जो उसने डिसंस करनी है जो उसने प्लानिंग करनी है जो उसने ऑर्गेनाइजिंग करनी है दैट विल बिकम द इजी पार्ट लेट्स मूव टुवर्ड अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए फोरकास्टिंग उसको करनी होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है उसको ट्रेनिंग uh, रिक्रूटमेंट करनी होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी होती है रिपोर्टिंग देनी होती है रिपोर्ट भेजनी होती है अपने टॉप मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस देखनी होती है पर्सनल रिकॉर्ड रखना होता है एंड कंपनसेशन एनालिसिस एंड सो ऑन तो इन सारी चीजों को अगर आप सिस्टम में ले आए तो डोंट यू थिंक इट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर यू टू डिसाइड एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इफ यू अटैक अबाउट अ पर्टिकुलर अबाउट ए सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम अगेन द सिस्टम यूज्ड टू एक्वायर स्टोर पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था अब हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ वट वेयर पीपल मशीन इक्विपमेंट अदर थिंग्स ये वाई टू एक्वायर कलेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर दैम मैनुपलेट वट डज मैनुपलेन मीन हेर मैनुपलेन का मतलब है कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड प्लेस पे आप प्रॉपरली रखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे रिट्रीव करेंगे जब जरूरत होगी और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको जिसको चाहिए उसको डिसीजन करने के लिए इसको हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं रिगार्डिंग एनागनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स जनरल बात नहीं कर रहे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं है स्टोर करते हैं एनालाइज करते, करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब उन्होंने स्पेसिफिक डिसीजन करने होते हैं आप कंप्यूटर बैठते हैं डेटा हेयर हर एक का पर्सनल रिकॉर्ड पर्सनल जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके पास उस किसी भी इम्प्लॉई का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है आप एक पर्सन का पूरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं लाइक इन दिस एग्जाम्पल यू सी द नेम ऑफ द पर्सन यस कामरान तैयब उसकी डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है पिक्चर भी लगी हुई है उसकी और उसकी जॉब भी बताई गई है कि क्या वो है कब हायर किया था आपने उसको यस yes, वो भी लिखा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है गुड डूइंग फाइन सैलरी क्या ले रहा है इस वक्त और उसकी नॉलेज स्किल और नोबिलिटी कौन सा ऐसा एरिया है स्किल एरिया जिसके अंदर वो आप समझते हैं तो आपके पास वो है कि यस ये प्रोग्रामर है जावा में और सी में अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकता है सो so नाओ जितने भी फील्स आप डिसाइड करना चाहें ये मुख्तलि फील्स होते हैं उतना आप डेटा स्टोर कर सकते हैं नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू वेन एवर यू रिक्वायर सर्टन इन्फॉर्मेशन लाइक आप चाहते हैं कि मैं देखूं मेरे पास कितने लोग हैं जो प्रोग्रामर हैं तो यू जस्ट गिव द कमांड ऑफ लिस्ट ऑफ द इंप्लाईज वर्किंग एज ए प्रोग्रामर तो आपको सबका डेटा आपके पास लिस्ट आ जाएगी अब आप, आप स्पेसिफिक एक किसी पर्सन का चेक करना चाहते हैं तो उसके क्लिक किया जैसे आपने ऐसे क्लिक किया कामरान के नाम पे, तो उसके बारे में सारी शीट सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होंगी वेन वी आर डिसाइडिंग टॉक रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आपने डिटरमिन करनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस, इस के अंदर, इस एरिया के अंदर। किस किस्म की इंफॉर्मेशन होंगी जनरल वर्क एक्टिविटीज हो सकती है हाउ द जॉब्स रिलेट टू अदर जॉब उनकी लिंकेज भी पता लग सकती है उससे आपको प्रोसीजर्स यूज ऑन द जॉब किस तरह ये जॉब की जाती है बिहेवियर जो है उस जॉब से रिलेटेड वो पता लग सकता है फिजिकल मोवमेंट अगर कोई चाहिए उसमें उस, उस जॉब के लिए वो भी उसके पास अवेलेबल है मशीन टूल्स कौन सी इस जॉब के लिए ज़रूरत है वो भी आपके पास मौजूद है अगेन फिजिकल इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट के अंदर वो जॉब परफॉर्म हो रही है ये इन्फॉर्मेशन भी वहां पे आप रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंटेक्ट ऑफ द जॉब उसका भी उसमें हवाला दिया जा सकता है सिमिलरली वर्क स्केडिंग और इंसेंटिव कंपनसेशन वो सारी इंफॉर्मेशन भी उस सारा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर मौजूद होंगी और पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक स्किल्स एजुकेशन कहां से उसने किया ट्रेनिंग एक्सपीरियंस फिजिकल डिमांड एक्सेट्रा उसकी स्पेशल नीड है कुछ उसको खुदा ना खासा बीमारी है ये सारी चीजें आपके उस डेटाबेस के अंदर अपने एंप्लाइज के बारे में मौजूद होंगी जो फिर सिस्टम बनाएगा इसे आप ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं एंड दीज सिस्टम आर वाई डू वी नीड दैट दीज आर डिजाइन टू सपोर्ट व्लानिंग टू मीट द पर्सनैल नीड ऑफ दिजनेस ये डिवेलपमेंट ऑफ एंप्लॉइज इन देयर फुल पोटेंशियल सो दैट हम सब एंप्लॉज को उनकी फुल पोटेंशियल में उनसे फायदा ले सकें और फिर अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी कर सके और कंट्रोल भी कर सके नो एंड सी सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल एक मैं पूरा जितने भी एचआर रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज उनको एक, -एक करके हल्का सा आपके साथ, साथ शेयर करता जाऊंगा कि अगर आपका एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम तो उसमें आप ये ये एक्टिविटीज कर सकते हैं और जो आपका काम आसान कर देगा लेकिन एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए वाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग नंबर वन स्पीड नंबर टू कन्वीनियंस नंबर थ्री प्रॉपर कंट्रोल बहुत सारे और फायदे भी हैं लेकिन वो जो बेसिक हमने जब मैनेज में पढ़ रहे थे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए ये सारा कुछ और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन और इससे चीजें बहुत क्लियर और आसान हो गई है और मैनेजर के लिए डिसीजन करना आसान हो गया क्योंकि नाउ यू कैन हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर इतनी चीजें जो आप रिटेन नहीं कर सकते थे इतनी फाइलें जो आप उठा के नहीं देख सकते थे अब आपका लिए वो मशीन वो नई टेक्नोलॉजी आपके लिए वो सारा काम कर रही है जो बहुत सारे लोग मिलकर आपके लिए करते थे तो इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके बहुत सारे कामों को आसान कर रहा है स्पीड से कर रहा है और गलती के चांसेस भी कम होते हैं सी वन बाई वन फ्यू एग्जाम्पल जो ये फंक्शन कहां कहां आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको क्या क्या फंक्शन करता है क्या क्या आपके लिए काम करता है जॉब एनालिसिस नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा जॉब एनालिसिस पे है तो जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आप इस पे रख सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर दैट सिस्टम विल हेल्प यू टू एनालाइज जॉब एंड प्रोग्राम कैन राइट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ये नई टर्मोनोलॉजी आ रही है आगे, आगे आप पढ़ेंगे इनको इवन वो खुद कंप्यूटर आपको आप कहेंगे कि मुझे ये ये काम चाहिए तो उसी बेस पे वो आपके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के क्या क्या जॉब होनी चाहिए क्या क्या काम होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये वो सिस्टम आपके लिए खुद करेगा इज इट फन और फिर आपके लिए मॉनिटरिंग का पार्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके कंट्रोल मॉनिटरिंग भी आपके लिए करेगा जो लीगल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मॉनिटर करता रहेगा ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या हो रहा है रूल रेगुलेशन के तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा सिमिलरली इवन इफ यू वेन यू हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग तो बहुत सारी एप्लीकेशन आती है तो सारा रिकॉर्ड आपके पास पड़ा होता है आप वैसे तो अगर कन्वेंशन तरीके पे देखा जो तो बंच ऑफ तो सिटिंग इन वन रूम नो बास व्हेन ऑल दो इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी ऑन योर सिस्टम ऑन योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम नोट इवन दो उनका डेटा भी वहां मौजूद है वो तो किसी वक्त भी आपके काम आ सकता है आप चाहते हैं जिसमें मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि आप चाहते हैं कि कितने लोगों ने प्रोग्रामर की कैपेसिटी में अप्लाई किया था लेट्स कितने उनमें से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये उनके पास इस पर्टिकुलर टूल के अंदर स्किल है वो देख लें तो वहां से अगर एमरजेंसी में जल्दी में आपको कुछ लोग चाहिए तो आप वहां से ट्रेस करके यू कैन फॉलो अप और गेट द पर्सन सिमिलरली यू कैन सेव लट ऑफ मनी एंड टाइम इन कंपाइलिंग रिपोर्ट सी वेन वी आर वर्किंग डे वर्कशीट बनाते हैं आप बनती है कितना टाइम इन्होंने काम किया कितनी प्रोडक्शन की एवरीथिंग इफ यू आर डूइंग दैट मैनुअली सेपरेट पर्सन यूनिट सेपरेट पीपल फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब लेकिन इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेवलप होने से यह काम बड़ी आसान हो गया कि आप उसी डेटा बेस में से उसी जो रिकॉर्ड आपने बनाया उसमें से एक साइड पे एक चीज निकाल सकते हो एक खास रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि देखा जाए कि आज कितने लोग आए हुए थे कितने लोगों ने पूरा काम किया और कितने आवर उन्होंने मिस किया तो इस सब में क्या हो रहा है

किसी वक्त भी आपसे पूछा जाए कि हाँ जी बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास दस हजार लोग काम कर रहे हैं बीस हजार लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से फीमेल कितने लेट्स जो एफर्मेटिव एक्शन का हमने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे या माइनॉरिटी जो आपके पास काम कर रही है क्या उनकी कुछ उनके उनकी रेशियो है ठीक है यू कैन जस्टिफाई विद द डेटा रिकॉर्ड यू कैन जस्टिफाई कि ये हमारे पास ये पोजिशन है और ऐसे काम हो रहे हैं सिमिलरली माइनॉरिटीज की हायरिंग रिक्रूटमेंट और एडवांसमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि लाइक सी इनगेनाइजेशन वी हैव सच एंड सच पर्सन इतने परसेंट लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी से है और वो अपने कैरियर में इस तरह करें इस, इस, इस पोजिशन पे आए थे इतने सालों के बाद उनको यह ट्रेनिंग ये डेवलपमेंट हुई सारा रिकॉर्ड आपको विद एंड बटन के आपके पास अवेलेबल होगा

आपके पास तो उनका सारा डेटा तो है ना आप मैच क्रिएट करके कि इस तरह की क्वालिफिकेशन इस तरह की स्किल के साथ हमें लोग चाहिए आप देख सकते हो कि हमारे अपने पास ऐसे लोग कौन कौन से हैं और वो सिस्टम वो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन अदा करके दे देगा एंड यू कैन देन रीच दो स्पेसिफिक पीपल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आस्ट दैम इफ दे आर इंटरेस्टेड सिस्टम विल इट्स सेल्फ जनरेट इंफॉर्मेशन फॉर दैम एट देयर ओन वर्क प्लेस एट देयर टेबल्स

आप ये इंफॉर्मेशन फ्लोट करते हो और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट ए मैच सर्च करेगा सिस्टम खुद बहुत कि मैच क्रिएट करे आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन के साथ बहुत सारे लोगों ने जैसे आजकल एक पोजीशन को अच्छी निकलती है तो हजारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और जब इतनी एप्लीकेशन आए तो मैनुअली समटाइम इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कीप द ट्रैक तो ये सिस्टम आपको खुद ब खुद फिक्सर मैच करके वो सेपरेट कर लेगा लोग जो क्वालिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए जो आपने एडवर्टाइज किया है तो यहाँ भी ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा दैट सिस्टम इज ऑल्सो अदर अनदर फंक्शन इज टू ट्रैक ट्रैकिंग सिस्टम इसका जो है बड़ा एफिशेंट होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो भी रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वट एवर सिस्टम यू हैव उसके तहत आसान हो जाता है और आपको ये काम भी वो करके देता है एंड इवन ट्रैकिंग यू कैन आल्सो ट्रैक द रिजल्ट्स पहले हम यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेज के अंदर मैनुअली सारा रिकॉर्ड रखते थे कि पिछले साल किस सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर फलाने टेस्ट में इतने मार्क्स थे दूसरे में इतने थे फाइनल में इतने थे असाइनमेंट्स के इतने मार्क्स थे प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स थे एंड देन

तो वो भी आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सिस्टम विल हेल्प यू कि बजाय आप खुद कैलकुलेशन करें जमा तफरी करते रहें, विद नो टाइम यू कैन गेट ऑल दो इंफॉर्मेशन। जितने भी आजकल सीवीज़ वगैरह आप देखें अमूमन ऐसे होता है कि कुछ जॉब्स आती हैं तो लिखते हैं कि आप ऑनलाइन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यू जस्ट हैव टू गो अटैच योर सीवी एंड सबमिट इड ऑनलाइन और इवन दे हैव स्पेसिफिक फॉर्मेट अवेलेबल ऑन देअर साइट देयर वेबसाइट तो उस पर जाके आप वो सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में या जो लोग भी इंटरेस्टेड हो उनके बारे में डाल के फिर सबमिट कर देते हैं तो वो सिस्टम खुद खुद उसको सारी स्कैनिंग करके उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट करके जो लोग इंटरेस्ट जो टॉप मैनेजर है जो डिसीजन करने वाले हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं मुख्तलि फील्ड आप वहाँ आप पे होता है कि आप क्या फील्ड पिक करते हो क्वालिफिकेशन देखते हो एक्सपीरियंस देखते हो उनका एड्रेस देखते हो नैचलिटी देखते हो वट एवर उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें स्कैन करके वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अगेन यू डोंट नीड बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज मैनेजर्स आर सो बिजीज दे डोंट हैव टाइम टू गो इन स्मॉल डिटेल्स तो आई ये सिस्टम उनके लिए वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं इवन नाउ यू कैन गो दिस विद इन दिस सिस्टम फॉर इंटरव्यू आज जितने भी बाहर से मल्टी ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ हदसा पहले जब बहुत ज़्यादा डिमांड थी बाहर जाने के लोगों की तो वो कंप्यूटर पर बैठ के अपना इंटरव्यू देते वहीं उनका एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का पैटर्न आता और वहीं से उनका स्कोर वगैरह सारी स्कैनिंग हो गया और अल्टीमेट रिजल्ट इवन आजकल आप देखते होंगे कि एंट्री टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये जो अगर आपका अच्छा प्रॉपर सिस्टम स्टेब्लिश सेट हो तो आप बजाय मैनुअल लेने के वो जो टेस्ट हैं वो इंटरव्यू है वो वहां से ही इंटरनेट आप उनके साथ स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन क्लोज एंड क्वेश्चन जो होते हैं वो करके वहीं से आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं so that, match, आपको बताता है यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब डोंट थिंक दैट यू डोंट नीड ह्यूमन नाव हेयर मशीन ही सारा कुछ कर ले तो फिर आपकी और मेरी जरूरत क्या है नहीं आपकी और हमारी फिर भी जरूरत है ये मशीन सिर्फ आपको फेसिलिटेट टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रही है सिस्टम जो है यह आपको फैसिलिटेट कर रहा है इसी तरह आपको बजेटरी फाइनेंशियल आस्पेक्ट जो है वो भी बताता है कि कितने फंड्स हैं आपके पास कितने यूटिलाइज हो रहे हैं रेखरिंग कास्ट कितनी है नॉन रेकरिंग कितनी है ये सारी चीजें भी यह सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है देन थ्रू दिस सिस्टम यू कैन ऑल्सो कीप ट्रैक ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट पीपल वर्किंग विद यू उनकी ट्रेनिंग ट्रैक भी देख सकते हो कि इनको कब कब ट्रेनिंग कराई गई थी कब इसकी जरूरत है अगली ट्रेनिंग की उनकी जो ट्रेनिंग कास्ट है उसको भी आप उसके साथ साथ मॉनिटरिंग कर सकते हो और फ्यूचर में आने वाली स्केड्यूल जो ट्रेनिंग है उसकी स्केड्यूलिंग भी आप उस सिस्टम के तहत कर सकते हो ओके ओके आई आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो मैं इस तरह स्केड्यूल कर लेता हूं कि इन इस ब्लॉक इतने लोगों को यहां पर ये काम कर रहे होंगे इनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं कि जब आ जाते हैं तो नेक्स्ट फेज में इन लोग चले जाएंगे तो ये सारी चीजें भी करने में इस सारी स्केडुल के अंदर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हेल्प परफॉर्म करता है आपको वो फंक्शन करके देता है अगेन आजकल तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट है देखें आप भी ये लेक्चर सुन रहे हैं आपके पास सी डी लगा के देख रहे हैं तो इस प्रॉपर सिस्टम के तहत इस सिस्टम के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन हाउस ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जा सकता है तो दैट फंक्शन इज ऑल्सो बीन परफॉर्म टू सम बाई this information system. Similarly, the career path, career planning that will be an excellent use of this system to go for career planning a succession planning of your employees. Will track, yes, this person is due for next phase, this person is qualifying for next position. And, so you can track. and the best is that it will be transparent. No.

उनको लेबर uh, स्टैंडर्ड्स को ये देख सकते हैं सो यू कैन है लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन हेल्प इंडिविजुअल का सेल डेटा जिसके बेस पे आप उनकी कमीशन उनकी जो कंपनसेशन है वो डिसाइड कर सकते हैं मैनेज फ्रॉम और जो रेजेज और जो उनकी वेजेस है वो उसकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हो किस सीक्वेंस से किस तरह टन सालों में उन्होंने ये अचीव किया और इवन आप उनकी हेल्थ ऑकोपेशन सेफ्टी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके जरिए कर सकते हैं हेजिडस मटेरियल की ट्रैक कर सकते हैं पुराना खासा एक्सीडेंट हुआ वगैरह हुआ उसकी जो कास्ट है ये सारी चीज़ें उनको ट्रैक करने में आपको ये हेल्प करेगा रिकॉर्ड्स वगैरह सारे मेंटेन कर सकते हैं मुख्तल कंडीशन जो है में आपकी जो चीज एक्टिविटीज हुई हैं उन सबका ट्रैक आप रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेटा जो आपने लेबर के साथ कॉन्टैक्ट किए हैं उसमें चीज़ें अवेलेबल इस पर हो सकती हैं सीनियरिटी लिस्ट भी हो सकती है कि हु सीनियर एंड ताकि कुछ चीजें प्रॉब्लम ना आए और एज ए सेट देर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन कीप एंड क्यू डू टू दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट विल गिव यू स्पीड इफेक्टिवनेस एफिशियंसी बो थिंग एंड आल्सो कास्ट कंट्रोल येस सो आई डोंट आई थिंक दैट इज अनफ शुड बी स्टॉप इट हेयर यस बट लेट्स सी वट वी हैव कवर्ड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम टूडे उससे पहले हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को थोड़ा सा देखा और इसको उस पूरे एक सिस्टम के अंदर समझने की कोशिश की अगला जो हमारा टॉपिक होगा लेकिन उसके लिए अगेन यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर इथ स्टडी इथ एंड दे कम बैक तो आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और यू हैव लर्न समथिंग गुड टूडे अगेन नेक्स्ट टाइम खुदा खुदाफिज अलैक्म